इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चीन बार बार मुंह की खाता है लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। रुक करेंगे हमारी दिन की दूसरी बड़ी स्टोरी का, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी न्यूज ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आपको यहां पर एक बार फिर से बताते हैं, चुनाव तीन चरणों में, जी हाँ, थ्री फेजेस में होंगे। पहला चरण होगा 28 अक्टूबर को, 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरा चरण यानी सेकेंड फेज होगी 3 नवंबर को, 94 सीटों पर वोटिंग होगी। और फिर उसके 4 दिन बाद 7 नवंबर को होगा फाइनल फेज, और इसमें 78 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 10 नवंबर को। तो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग और साथ ही इंडियन पॉलिटिकल लीग आप इसे कह सकते हैं, एक साथ नतीजों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो नए नियम है, आपको एक बात समझनी है कि कोविड के बाद ये हिंदुस्तान में पहले इलेक्शंस हैं, तो क्या किया गया है, कुछ नए नियम हैं। वोटिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतदान होगा। कोरोना मरीज, ये बड़ी खबर है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये कोविड के बाद में पहला इलेक्शन है, तो कोरोना पीड़ित सबसे आखिर में मतदान करेंगे। ऐसे में जो स्टाफ होगा, जो वहां पर कर्मचारी होंगे, उनकी सेफ्टी के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। PPE किट्स की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाएगा, 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे और केवल 2 लोग नामांकन में जाएंगे। ये वो नए नियम है, देखिए ये पोस्ट कोविड नई रूल बुक है। नामांकन ऑनलाइन भी भरा जा सकता है क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है। तो ये वो नियमों में बदलाव जो कि किए गए हैं कोविड के बाद हिंदुस्तान में होने वाले पहले इलेक्शंस के लिए। और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता तो परिवर्तन चाहती है। तीन सत्र में जो तीन फेज में चुनाव हो रहे हैं और 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता NDA को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके 2 कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार ने JDU और भाजपा की सरकार ने LJP के साथ मिलकर जो काम किया है, और खास करके सड़कों का काम, बिजली का काम गांव में, और कोरोना काल में जो अपने मजदूर भाइयों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, खास तौर पे बिहार की जनता जो है वो तैयार है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि इन इलेक्शंस में बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्या बड़ा मुद्दा कोविड होगा या फिर सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत को लेकर बहुत ज्यादा सियासत हुई है, क्या सुशांत सिंह राजपूत बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होंगे, जैसा कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं BJP के वो ये बात बार बार कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें जारी रहेंगी, आप रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।